क्यों भड़क गए सेट पर संजू बाबा, और क्यों है केजीएफ 2 संजय दत्त के लिए खास, और साथ ही साथ क्या है रॉकी के रीना की असली कहानी। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियो। तो केजीएफ 2 का फीवर अभी तक ऑडियंस के दिमाग से उतरा भी नहीं है कि फैंस करने लग गए हैं ऑलरेडी केजीएफ चैप्टर 3 का इंतजार। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें, ये बात तो ना आप जानते हैं और ना ही हम, बस जानते हैं एक इंसान की कब होगी केजीएफ चैप्टर 3 रिलीज। खैर वो इंसान है और कौन बल्कि केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील सर। खैर मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन लाई हूँ जिसका आपको कोई अंदाजा भी ना होगा, लेकिन आपको सुनकर मजा जरूर आएगा। दरअसल बात यह है कि संजय दत्त केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स शूट के सेट पर भड़क गए थे और उनके नाराज होने की वजह थी उनके लिए स्टंट्स और एक्शंस का इजी करना। जी हाँ, सही सुना आपने। हुआ यूं कि जब संजय दत्त कैंसर को मात देके केजीएफ के शूट पर वापस लौटे, तब डायरेक्टर प्रशांत नील ने उनके एक्शन स्टंट्स में कुछ चेंजेस कर दिए थे, लिहाजा उनके एक्शन स्टंट्स को काफी इजी कर दिया गया था, जिसकी वजह से संजू बाबा भड़क गए और वो नाराज हो गए इस बात पे कि उनके स्टंट्स में चेंजेस क्यों किया जा रहा है, और उनका ये कहना था कि वो मुश्किल से मुश्किल स्टंट्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए शायद लोग संजू बाबा को फाइटर कहते हैं। लाइफ में इतना कुछ साथ साथ झेलने वाले और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को मात देने वाले संजय दत्त के लिए ये छोटे मोटे एक्शन सीन्स कौन सी बड़ी बात है। खैर आप सभी जानते हैं कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को मात देकर संजय दत्त वापसी कर चुके हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े पर्दे पर। फिल्म मेकर्स ने भी जब केजीएफ 2 पे संजय दत्त के लौटने के बाद उनके एक्शन स्टंट्स को उनके हेल्थ इश्यूज को देखते हुए इजी कर दिया था, तो संजय दत्त उस पे भी नाराज हो गए थे। वहीं फिल्म मेकर्स ये देखकर हैरान रह गए थे कि अब संजय दत्त पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक है। ये उन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा होगा जिन्हें लगा था कि कैंसर के बाद संजय दत्त टूट जाएंगे और शायद ही कभी बड़े पर्दे पे दिखेंगे। उन्होंने तो लोगों को हक्का बक्का कर दिया। खैर उनके लिए ये बिल्कुल जचता है कि शेर आखिर शेर ही होता है और घायल शेर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बात में तो कोई दोराहे नहीं है कि लोगों को संजय दत्त का ये कमबैक सालों साल तक याद रहने वाला है। खैर अब बढ़ते हैं उस तीसरे सवाल की तरफ जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताने का, यानी कि रॉकी के रीना की कहानी। जी हाँ, फिल्म केजीएफ में रॉकी के लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया था रीना ने। हम इससे पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं रॉकी भाई की कहानी, और आज की इस वीडियो में तो आप लोगों ने अधीरा के बारे में भी जान लिया, तो अब बात कर ही लेते हैं रीना की भी। दरअसल रीना का किरदार निभाया था श्रीनिधि शेट्टी ने। श्रीनिधि शेट्टी एक्ट्रेस बनने से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, वो बैंगलोर में जॉब कर रही थी, लेकिन उनका हमेशा से इंटरेस्ट तो एक्ट्रेस बनने का ही था, जिसके बाद उन्होंने काफी सारे ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लिया और उन्हें जीता भी, जिसके बाद उन्हें काफी सारी फिल्मों के ऑफर्स भी आए, जिसमें से उन्होंने चूज किया केजीएफ को। भाई क्या बिंदास चॉइस रही उनकी, और वो नजर आई थी यश के साथ फिल्म केजीएफ में 2018 में। खैर यश और श्रीनिधि शेट्टी की ये जोड़ी जनता ने तो खूब पसंद की थी। खैर हम अपनी जनता को यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ये जोड़ी आपको एक बार फिर देखने को मिल सकती है केजीएफ चैप्टर 3 में। जी हाँ, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमें कॉमेंट्स में ये भी बताइए कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। नमस्कार।